और
हम अपने आवाम में इन्वेस्ट करें। जब मैं अमेरिका से आया आज से 25-30 साल पहले, एक दिन मेरी वालदा ने मुझे बताया कि अखबार में खबर आई है कि इमरान खान ने अपनी पार्टी बनाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम से। मैंने उसी दिन फैसला कर लिया कि मैं तहरीक इंसाफ ज्वाइन करूंगा। और फिर 2-1 माह बाद इसी शहर रावलपिंडी में मैं तहरीक इंसाफ में एक्टिव हो गया। जिस वक्त इमरान खान साहब ने फैसला किया 99 में लाहौर से इस्लामाबाद शिफ्ट होने का, तो मैंने उनके साथ अटैच हो गया और उनके साथ मुल्क के मुख्तलिफ एरियाज में ट्रैवल करना शुरू किया। और उन्होंने मेरी सियासी तरबियत की, और उस सियासी तरबियत में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी वो थी करप्शन के खिलाफ जंग, और वो हम आज तक लड़े और लड़ते रहेंगे जब तक इंशाल्लाह करप्शन का खात्मा नहीं होगा। इंशाल्लाह हमारी पार्टी बड़ी जल्दी से फैली, हमें टाइम नहीं मिला कि हम लोगों की तरबियत करें और उनको एजुकेट करें सियासी एजुकेशन। हम अपने लीडर की स्पीचेज को ही फॉलो करते रहे। हमारे लोग जब हुकूमत आई ज्यादातर तो गवर्नेंस का एक्सपीरियंस नहीं था, और ब्यूरोक्रेसी जिसने सब कुछ इंप्लीमेंट करना है उनको तबाह कर दिया था इन दोनों पार्टियों ने, क्योंकि इनके करीब मेरिट की कोई वैल्यू नहीं थी, सिर्फ पर्सनल लॉयल्टी को ये देखते हैं, जिसकी वजह से आज माफिया राज कर रहे हैं। और वो माफिया हमारे लिए भी रुकावटें डालते हैं, लेकिन इंशाल्लाह हमारा स्ट्रगल जारी है और उन रुकावटों के बावजूद हम चीजें ठीक करेंगे। अल्लाह हमारा मददगार है, और इमरान खान की अल्हम्दुलिल्लाह नीयत सही है तो वो अल्लाह ताला इमरान खान को हर मुश्किल मुसीबत से निकालता है। जैसे कि आपने देखा कोरोना वाले इश्यू में इमरान खान ने पूरा भरोसा किया अल्लाह ताला पे और पूरा अपना फोकस रखा इस मुल्क की गरीब आवाम पे। स्थानीय मिनिस्टर को हिदायत दी कि 150 अरब रुपया मेरे से बांटा जाए गरीब आवाम को, और वो उससे इन मुश्किल हालात में उनकी कुछ तकलीफों में आसानी हुई। फिर खान साहब ने जो लॉकडाउन था बेहद मुखालफत के बावजूद लॉकडाउन को ईज किया ताकि गरीब आदमी अपना रोजगार कमा सके। और ये मौजे से कम नहीं कि कोरोना का असर पाकिस्तान में ना होने के बराबर है। जब आप अपने हमसाया मालिक को और डेवलप मुल्कों को देखते हैं जहाँ कोरोना की वजह से तबाही फैल गई है, हम इसे यही असर कर सकते हैं कि अल्लाह ताला चाहता है कि इमरान खान इस पाकिस्तान को एक मॉडर्न रियासत बनाए, रियासत मदीना के नक्शे कदम पर मॉडर्न स्टेट में यह नहीं देखा जाता कि डेमोक्रेसी है या डिक्टेटरशिप है। उसमें जो इदारे होते हैं वो मजबूत होते हैं और वो मेहनत से आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं, और वहां पे कानून सबके लिए बराबर होता है और बिला तफरीक एहतसाब होता है। हम मुसलमानों के लिए रियासत मदीना का एक बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है मॉडर्न स्टेट का जो हम फॉलो कर सकते हैं। उस रियासत मदीना की बुनियादें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 साल मक्की जिंदगी में रखी गई। और सबसे पहले मुतवाद का आईन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबा हुज्जतुल वदा था। ये दुनिया के लिए पहला चार्टर था ह्यूमन राइट्स का। एक मॉडर्न स्टेट बनाने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है इंस्टीट्यूशन वो सियासी पार्टी होता है, और अगर हम अपनी सियासी पार्टी को मेरिट से
रिश्तेदारी बरादरी या मफाद को छोड़ के ऑर्गेनाइज कर लेते हैं इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से बाकी जो इंस्टीट्यूशन है इस मुल्क में वो हमें बड़ी आसानी से हम उनको इंस्टीट्यूशनलाइज कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई के पास एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन यह सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन एक रास्ता है, इसको अगर हम अल्फाज और रूह में फॉलो करें तो वो जो ख्वाब मैंने आपने और हमारी यूथ ने अपने अजीज लीडर इमरान खान के साथ देखा है उसको हम मुकम्मल कर पाएंगे और जब यह हो जाएगा तो हम दुनिया को बता सकेंगे कि यहाँ पर बात मफाद और औलाद की सियासत नहीं चलेगी। आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों ने अपनी औलाद को आगे किया हुआ है अपने मफाद को बचाने के लिए, यह मसला जमहूरियत बचाना नहीं है, चोरी बचाना है।